ल् सालिस का सबक नंबर आठ शुरू कर रहे हैं जिसमें अनुमान करा देगा किताब की इबारत व मिनह माजकर मिन उसतादिन मा तनाफी बैनमत वजूब से लेकर वखतला तिलमबातो बिल महर्रमाते तक तो के लाबिका अजीज आज के दर्स में जिस नुकते को बयान किया जाएगा वो ये है जल हुक्म ज़ाहरी के महाल होने के इश्काल के बारे में दूसरा जवाब यानी गुजा दो दरसों से ये बहस चल रही थी कि जल हुक्म जाहरी महाल है उसकी दूसरी दलील का आज जवाब दिया जाएगा दूसरी दलील ये थी कि अगर आप हुक्म जा, जाहरी को जाल कर रहे हैं तो अगर हुक्म जहरी मुखालिफ हुक्म वाकई के साथ तो फिर इससे नकज गज मौला लाजिम आ रही है जो कि कभी है लिहाजा जागले हुक्म जाहरी महाल है आइए इबारत को मुलादा फरमाए वमीन हा दूसरा जवाब बल्कि दूसरे इश्काल का जवाब ये माँ वो ये जवाब है जक्रो सैदुल उसताज हो नेहत खोई सयद खोई ने जवाब दिया है।, है वो ये जवाब दिया है कि मिन अन्न तनाफी हरमत वजूब के, के दरम्यान में फर्ज करें हुम वाकई से हरमत है हुक्म जहरी से वजूब है तो इनके तर, जो तर, तनाफी है वो जो मिला के हुक्म थे उनमें से तीसरा मिलाक एतबार था उस एत, इनके एतबार दरमियान नहीं है बल बैन मबादी एहमा मबाद अहमांतीन बल्कि एक लिहाज से इनके मबादी के दरमियान में है जो मबाद हुक्म है शौक इरादा वगैरह तनाफ़ी हो सकती है तो मबादी के दरमियान हो सकती है एक लिहाज से दूसरे लिहाज से आ रहा है मबादी के मुकाबले हैं मुंत ही मुनतही मकाम इम्तिस में हो सकती है तनाफी अब मबादी के लिहाज से तनाफी हो सकती है क्योंदिन मन व महबूबन क्योंकि मुमकिन ही, ही नहीं है कि एक चीज मबहूज मौलाए हो और वही चीज महबूब मौला भी हो एक चीज को मौला पसंद भी कर रहा हो मर्जी मौला भी हो उसमें और उसमें नफरत मौला भी हो नापसंद मौला भी हो हो ही नहीं सकता चूंकि मोहब्बत नफरत महबूज महबूब होना ये तजाद है नतीजे में तनाफी है वैना मु खराब ये दरमियान में मक... दरमियान है मकाम इंतसाल में तलब जो है यानि मुकलब से मौला ये चाह रहा है कि ये जिसका मैंने आम्र अंजाम अंजाम किया है और नहीं आ, की है

उसके लिए ऐसी अंजामदही हो जो जो अंजामदही मुखालिफ हो दूसरे के उस अंजामदही के साथ जिसका दूसरा तकाजा कर रहा है मसलन जो वजूब में तर्क है सॉरी हरमत में तर्क है वजू में फेल है अंजाम है अंजाम का तकाजा यह है कि तर्क तर्क का अंजाम का लाजमा यह है कि आदम तर्क फेल का जो कि वजूब के अंदर है उसका लाजमा अदम तर्क। और तर्क लाजमा अदम फैजा वाकूर किसी का के अंदर जिसके नहीं मौलान ने ताल हरमत वाकई है वाकई है और वजूब हुक्म जाहिर तो फलातोनाफी बेनुमा फिली तो इनके मब, दरमान मबादी के अंदर जो है तनाफी तजाद नहीं है अब क्यों आ, मबादी के अंदर नहीं है। नफ्त मबादी पे जाल ही इस पर गौर करना। चूंकि हमने फर्ज किया है कि मबादी खुद जाल मोला के अंदर है उससे हटके नहीं है लाफिल मुत के मुश्तरक बहन वक मतल के हुक्म के अंदर तनाफी नहीं है या जो मबादी हुक्म जहिर खुद जाल, जाल हुक्म में है, है। कोई मुत के मुशतर जाहिर के दरमियान बाकी के दरमियान नतीजे वाला तनाफी बहनुमा फी, फी मुतबात मकाम और दोनों के दरमियान मकाम इमतसा में कोई तनाफी नहीं क्यों तनाफी नहीं है लेरबाक य गैर वास जो हकीकी है वाकस वो मुकलब तक तो नहीं पहुंची कमाई है हुक्म जारी भी जिस तरीके से तकाज़ा करती है अपने मकाम में और वो पहुंची है इस तरीके से हरमत तो वाकई मुकलब तक तो नहीं पहुंची जब नहीं पहुंची फला तो फलासा हरमत वाकई के लिए उसके लिए तलब नहीं कि उस, उससे तलब नहीं किया गया कि उसको वह अंजाम दे वाल तलबा तीन अमलिय वलातुना वला तुना तो फिर बेनफी मतलब मकामी इम्तसाल ना ही मकामी अमल में ले अन्न इस्तेकाकल हुक्मे ले इम्तसाले फर उल वसूले व तन जजो चूंकि हुक्म ये इस्तेकाक रखना के हुक्म हक रखता है कि उसको अंजाम दिया जाए ये तब हो सकता है या फरा है ये इस्तेकाक हुक्म ले इम्तसाल हुक्म पहुंचे और हुक्म मुकल्लफ के ऊपर ऊपर बिलफेल हो यानी हुक्म जब बिलफेल हो होगा, तब उसकी इंतसार का मरहला आता है कि मुक़ल्लफ के ऊपर हक है कि उस हुक्म को अंजाम दे लेकिन अगर मुक़ल्लफ के ऊपर हुक्म मुनजस ही ना हुआ हो हुक्म पहुंचा ही ना हो तो फिर उसके अंजाम दही का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अब शहीद सदर फरमाते हैं गोया कि ये मकाम इशकाल में फरमाने वाला कि नतसा अलो हाल मुमकिन मौलाफस अवल हरमत क्या हम लेकिन हम सवाल पूछ सकते हैं ये कि क्या मुमकिन है कि मौला करार दे वजूब हरमत को मैं यार खुद करार दे खुद वजूब के अंदर और हरमत के अंदर याने हराम का मयार खुद हरमत को करार दे वजूब का मैार खुद वाजिब को करार दे वाल हकन हक मौला बे मसलहत ही अगरचे इतफाक हो बतौर हक मौला महसूस किया है कि मसलहत मुकलफ यह है कि वजूब को

जानेब हु की मसलहत को भेजा है कि मसलहत मौजूद है खुद जाल मुका शख्स इंतज़ार करे कि मुकाफात मौजूद है खुद उस शख्स के ऊपर बलायो हमले कालफेला और का इसके बाद मुहिम नहीं है कि वो वर्दे अहतमान करे मुहिम करा दे के फेल वाके हो या फेल वाके ना हो अकूल अकुलर मैं कहता हूं कि लव लाल अगर इस किस्म का हक मौला के लिए साबित हो तो फला असर असल हाजल जाले इस जाल के लिए जिसके अंदर मसलहत पाई जाती है खुद जाल के अंदर इसके लिए कोई असर नहीं है वाला ही और ऐसे हुक्म के इंतसाल वाजिब होने के बारे में आकल हुक्म नहीं लगाती आकल नहीं कहती कि इसका इंतसाल वाजिब हो फराजल अहकाम ज़ाहिरियत, नाशियत मबादी, मबाद जाले, याने तफरी गा मिन हकीकतरी अकलन बस ये फर्ज करना कि अहकाम ज़ाहिरिया, जो है ईजाद होते हैं पैदा होते हैं खुद जाल के अंदर मबादी के होने से और मबादी कौ, कौन सी चीजें वो बयान हो गए यानी अहकाम फारिग हैं हुक्म की हकीकत से और हुक्म के असर से अकल अकली लिया से और जब हुक्म की हकीकत से अहकाम फारिग हैं और उसके असर से फारिग हैं तो इसको अक्ल कब, कबूल नहीं करती कि उसको अंजाम दिया जाए बस फल जवाब उल मजक इफ्तरा फिर नफसी जाले बस ये जो जवाब दिया गया जो जिक्र किया गया कि खुद जाल के अंदर मसल को फर्ज किया गया ये जवाब काबिल कबूल नहीं है वहाफ इतराज ही लेकिन इसमें के इसमें के फर्ज करते हैं कि अनल किहरी लायमिन मबादे फिर मुत के तामन। खुश हुक्म जाहरी पैदा नहीं होता उन मबादी से जो मुताल के हुक्म के अंदर बिलखसूस ये ताम नहीं है नहीं हैं। बस जब ऐसे नहीं ये ताम नहीं तो हम मोहताज हैं इस नतीजे में फिर तस्वीर महतु तो आज दोहा मुत के बिलखसूस के हुक्म की हुक् की, की तस्वीर हम पेश करें इस बात की जानब के फर्ज करें कि इस हुक्म का के मबादी हतमी नहीं है जिनको आप आते हैं मुत के हुक्म खूसी तजाद हो ताकि हुक्म पेश ना आए लाकिन रहा नाफिल वक्त बिल जाले लेकिन यह मबादी खुद उसी वक्त में कायम नहीं है जाल के जरिए से फद तफरी हकीकत ताकि ये जो इश्काल था आ, इश्काल था कि हुक्म ज़ाहरी का फारिग होना लाजम आ रहा है ताकि ये लाजिम ना आए वजा ले का बेअन्ना कोला और ये इसलिए चूंकि हम, कह, हम कहते हैं कि इन मबाद अम जहरीत मबाद का ये जो हम इस बात को रद्द करते हैं कि ऐसा नहीं है कि खुद जाल के अंदर मसलहत हो खुद जाली मबदम हो, हो फैत ये काबिल कब क्योंकि हम कहते हैं कि अहकाम जहरी के जो मबादी हैं वही अहकाम वाकिया के मबादी हैं बिदूने का मौका जब वही हैं, तो फिर तजाद पेश नहीं आ रहा बता हो बताओ क्या इसकी वजाहत यह है कि वाकयिन लहा मिला कि हर हरमत वाकई के लिए यानी जो हुक्म वाकई है और उसके लिए हुक्म हरमत आया है उसके लिए मिलाक इकतजाई है और कौन सा मिलाक इकतजाई वह मिला तो वह वा मफसदा तो यानी इसलिए चूंकि उसके अंदर मफसदा है इसलिए हुक्म हरमत आया है वल मफगुजियत हो मफसदा है और महगुजियत तो अलकायता नहीं मफसदा और मबगुज मौला जो काय में बिलफेल मौजूद हैं इस फेल के अंदर बस यही मेरा मेरा यार है बका अमर इसी तरीके से अमर वजूब के बारे में अमर है उसके अंदर महबूबियत पाई जाती है उसके अंदर मसलियत पाई जाती है और इन बिलफेल ये महबूबियत तो मसलियत है इसलिए अमर बिल हो रहा है फिर हल्का और बहा की बात है उसके बारे में, आ, हल, आ, में बात गुजर गई है बसा औकात इसका मिला इकतजाई होता है यानी बसा अवकात के सबक अंदर अः मसलहत पाई जाती है और बसा औकात मसलहत नहीं पाई जाती मसद पाया जाता है ले कद तंश ओ अन वजूद मिलाकिन फिर अं अल मुकल्लफ और मुतलकल अनाने क्योंकि कभी कभी इबाह पैदा होता है इस बात से कि मिलाक मौजूद है इस बारे में के मुकल्लफ मुतलकल अनान है ये मिलाक के मुतलकल अनान यानी बिल्कुल आजाद है यानी फेलो तर्क में आजाद है तरजीह नहीं है उसमें वकद तंश ओ बसा इबाह पैदा हो, होता है मिन, मिन इस बात से जो फेल मुबा है उसके अंदर किसी भी किस्म का मिलाक नहीं पाया जाता ना जाल, ना इरादा ना शौक वगैरह यानी जितने भी मिलात है किसी भी किस्म का मिलाक उसके अंदर नहीं पाया जाता ये इबाह की तस्वीर है तो लाभ कराम अजीज आज का दर्श अपने पहुंचाओ असल वरह वकू